मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल के वर्धमान पूर्वी ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में पहुंचे, जहां ग्रामीणों और किसानों ने उत्साह और उमंग के साथ उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी किसानों की सरकार है, अन्नदाता हमारा भगवान है, वह किसान के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहने देंगे। किसानों के एक एक दाने का कर्ज भाजपा सरकार चुकाएगी। पश्चिम बंगाल के मैमारी मोड़ पर आम जनसभा के संबोधन के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ राष्ट्रीय सचिव और बंगाल सह प्रभारी अरविंद मेनन मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा, असली किसान कौन है? लाल किले पर चीरहरण करने वाले या बंगाल जैसे राज्य में अपनी किस्मत बदलने का इंतजार करते ये किसान? उन्होंने कहा, कृषि कानून के आने के बाद से लगातार इसको रद्द करने की मांग चल रही है। इसको लेकर 2 महीने से दिल्ली को बंधक भी बनाया हुआ है, लेकिन आंदोलन की मर्यादा और देश के संविधान को तार तार करने की हिमाकत ने आज देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असली किसान कौन है। केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी पूरी समर्थता के साथ किसानों को कृषि कानून के फायदे बताने में लगी है, तो पार्टी भी पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रही है। इसी दौरान हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए भी किसान के खाते में आ रहे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, ममता बनर्जी की सरकार में जिन जिन ने भी भ्रष्टाचार किया होगा, चाहे वो कितने भी बड़े लोग होंगे, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ेगी। हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगा रही है ममता बनर्जी, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। आप लोग चिंता मत करना, आराम से वोट डालोगे, सीआरपीएफ पूरे 1 महीने पहले आ जाएगी और एक एक कोई वोट डालने नहीं रोक सकता है। एक एक के लिए जान लगाने के लिए खड़े हैं, जान की बाजी लगा देंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे केस लगे, सरकार बनते ही पहली कलम से सबके झूठे केस वापस हो जाएंगे, किसी का कोई केस नहीं रहेगा। ये अन्याय, ये अत्याचार, ये व्यभिचार और ये भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग कृत संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित है। आप चिंता ना करें, डरे नहीं और धमके नहीं, ये परीक्षा की घड़ी है और इसमें हम सब पास होंगे और नया बंगला मोदी जी की इच्छाओं पे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसान को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बंगाल का किसान आज भी गरीबी मुफलसी में अपना जीवन यापन कर रहा है। जब से बीजेपी ने एक मुट्ठी चावल अभियान बंगाल में चलाया है, तब से बंगाल के किसान के मन में एक भाव जागा है। बीजेपी नेताओं के इस अभियान के तहत गाँव में जाने पर उन्हें किसान बहुत सम्मान दे रहे हैं। अभियान को किसान का बल भी मिल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।